मुनाफा व्यवसायी विनोद कुमार बरनवाल की हत्या कर आभूषण लूट के मामले में जनपद के मोहित वर्मा को क्राइम ब्रांच ने नंदगंज व करंडा पुलिस ने संयुक्त रूप से धर दबोच लिया है। बताते चलें कि 30 जून को नंदगंज कस्बा निवासी विनोद कुमार बरनवाल अपनी दुकान बंद कर घर को जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनको रोक कर गोली मार दी और आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सोमेन वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सराफा व्यवसायी हत्याकांड में शामिल 3 बदमाशों में से एक पुलिस की गिरफ्त में है। इसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, लूट का आधार कार्ड, चांदी के आभूषण, 1500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इन्होंने पूरी घटना को कबूल भी किया है और इनके पास से बरामदगी भी हुई है। इसके अलावा ये इनका पहला घटना नहीं था, इनके पहले भी ये डबल मर्डर में जा चुके जिसमें लूट किए थे। इसके अलावा भी लगातार इसी टाइप के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। वर्तमान में कुछ दिन पहले जेल से छूट के आए थे, जेल से छूट के आए थे, उसके बाद तुरंत इन्होंने गिरोह बना के एक व्यापारी को टारगेट किया। इन्होंने पहले रेकी किया 2-3 दिन, उसके बाद समय और अवस्था अनुसार उनको फॉलो किया, ओवरटेक किए, रोका, उसके बाद छिनेती करने के लिए जैसे उनको लगा कि व्यापारी शायद सक्सेसफुली भाग जाएगा और लूट नहीं पाएंगे तो गोली चला दिया। गोली व्यापारी को लगा, वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। हमने एक को पकड़ लिया है, इनके बाकी साथियों की तलाश है, जल्दी से उनको गिरफ्तारी करके आगे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, ये किस तरह के अपराधी हैं और इनका पेशा करने का था? इनका पेशा, ये पेशेवर अपराधी है, लगातार ये लोग लूट और इन चीज़ों का अंजाम देते हैं। इनके साथियाँ भी, इनके जो साथी हैं वो पेशेवर अपराधी हैं। इनका मेन उद्देश्य यही है, अभी लूट करते करते धीरे धीरे अपने TV100 के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट एस्टैब्लिश करना, ताकि बाद में रंगदारी टाइप